एसएसटी क्लास थर्ड चैप्टर फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वी नो दैट कि इन अर्ली स्टेज ह्यूमन बीइंग डजंट हैव एनी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन थिंग्स। पहले के समय में ह्यूमन बीइंग के पास ट्रांसपोर्ट का कोई जरिया नहीं था, बस वॉकिंग कर सकते थे। People once believed that the earth had flat surface. Over the years, explorers found out that the earth is round. Then realized that they can travel around the world and reach back at the same place from where they started. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि people believed that earth had a flat surface. Over the explorers found, उन्होंने earth जो फ्लैट है उसका सरफेस उसको फाइंड आउट किया एक्सप्लोरर ने। एक्सप्लोरर्स मतलब नाविक जो सेलर्स होते हैं। फाइंड आउट द अर्थ इज राउंड। पीपल देन रियलाइज दैट दे कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड एंड रीच बैक एट सेम प्लेस फ्रॉम दे स्टार्टेड। उन्होंने यह देखा कि वो जिस प्लेस से अपनी यात्रा या ट्रेवलिंग शुरू कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड को राउंड करने के बाद वो उसी सेम प्लेस पे आ जा रहे हैं। इन दिस पिक्चर यू सी दैट सम ओल्डेस्ट वे ऑफ ट्रेवलिंग। पहले क्या करते थे कि लोग पालकी में ऊँटों पे हाथियों पे ऐसे जाते थे ट्रेवलिंग के लिए। व्हेन कम्युनिटी लिविंग स्टार्टेड, जब लोगों ने रहना शुरू किया ग्रुप में, दे नीड टू ट्रेवल अरॉस, तो उन्होंने ट्रेवलिंग की, उनको ट्रेवलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ने लगी। द ओनली मोड ऑफ ट्रेवल वॉज वॉकिंग ऑन दैट टाइम। द ओनली मोड ऑफ ट्रेवलिंग इज वॉकिंग। सिर्फ उस समय एक ही वे था, दैट इज वॉकिंग। As walking was tiresome, people learned to use domesticated animals such as horses, camels and donkeys to travel. On this stage, human being find out that ki animals ko unhone domesticated karna shuru kar diya, jaise horses ho gaye, camels ho gaye and donkeys to travel. Wo inke peeth pe, inke back pe baithte hue traveling karte the. They started traveling on the back of these animals. Inke back, inke peethon pe unhone animals ke बैठ के ट्रेवलिंग मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आना जाना शुरू किया। एनिमल्स वेयर आल्सो ट्रेन टू कैरी गुड्स, और एनिमल्स को उन्होंने ट्रेन किया, उनको इस तरह से तैयार किया कि वो गुड्स को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैरी करके ले जा सके। पीपल स्टार्टेड ट्रेवलिंग बाय लैंड वाटर एंड एयर। ट्रेवलिंग का जो वे था वो लैंड वाटर एंड एयर ये तीन वे में डिवाइड किया गया है। वी नो दैट कि ट्रांसपोर्ट आर लैंड ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। सो वी सी दैट वॉट इज लैंड ट्रांसपोर्ट। अर्लियर पीपल यूज वुडन कार्ट्स ड्रॉन बाई हॉर्सेस टू कैरी पीपल एंड गुड्स। इन अर्ली स्टेज में क्या होता था, वुडन का कार्ट्स बनाना था, बैल गला बुलक कार्ट्स जैसे बोला जाता है, तो इसे कार्ट्स बना लिया जाता था ड्रॉन, उसको खींचते थे हॉर्सेस टू कैरी पीपल एंड गुड्स। पीपल्स को भी ले जाते थे एंड गुड्स भी उस पर कैरी कर सकते थे। बुलक्स एंड कैमल्स वेर ऑल्सो यूज ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसी तरह से कैमल्स एंड बुलक्स दैट मतलब जो आपके बैल होते हैं एंड कैमल्स ऊंट, उनका भी यूज ट्रेवलिंग में किया गया कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस को हम आ सकते। विद द इन्वेंशन ऑफ रिक्शास साइकिल्स स्टीम इंजन्स एंड ऑटोमोबाइल्स ट्रेवलर बिकम फास्टर एंड मोर कम्फर्टेबल। जब हम लोग एनिमल से ट्रेवलिंग करते थे तो हमारा समय बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, दैट इज़ अ मोर कंज्यूमिंग ऑफ टाइम। सो द इन्वेंशन हुआ रिक्शा साइकल्स स्टीम्स इंजन्स एंड ऑटोमोबाइल्स का, तो ट्रेवलिंग बिकम वेरी फास्ट एंड मोर कंफर्टेबल हो गया। सब इंजन के थ्रू हो गया, मोटरसाइकल्स बाइक ये सब इलेक्ट्रॉनिक वे की तरह से हो गया, मतलब कि फास्ट ट्रेवल बिकम फास्टर एंड मोर कम्फर्टेबल। जितना ये फास्टर हो गया उतना कम्फर्टेबल मतलब आरामदायक भी हो गया। नाउ द टू मेन फॉर्म्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर रेल एंड रोड। जो आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है उसमें भी रेल एंड रोड ये दो मेन ट्रांसपोर्ट हैं, ये दो इसमें मेन ट्रांसपोर्ट हैं। सो अब हम लोग देखेंगे कि वॉट इज़ रेल ट्रांसपोर्ट एंड वॉट इज़ रोड ट्रांसपोर्ट। इन इंडिया रेलवेज एंड रोड्स कनेक्ट ऑलमोस्ट ऑफ द टाउन्स टू मेंटेन और कनेक्ट द सिटीज। इन इंडियाज रेलवेज एंड रोड्स कनेक्ट ऑलमोस्ट ऑल विलेजेस एंड टाउन्स टू मेजर सिटीज। जितनी भी मेजर सिटीज़ थी तो उन मेजर सिटीज़ को
कनेक्ट कर लिया गया थ्रू द वे ऑफ roadways and railways. They also help in the transport of goods to various places in the country. Land transport is the cheapest means of transport. हम लोग देख लें कि जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है आपका रेल, तो रेल ट्रांसपोर्ट इज नॉट द डोर टू डोर सर्विस. डोर टू डोर सर्विस ये होता है रेस्टोरेंट्स की, जो हमारे घर तक आए, जिस ट्रांसपोर्ट से अपने घर तक आए, तो उसको हम डोर टू डोर सर्विस कहते हैं. जैसे बाइक्स है, बसेस हैं, तो ये हमारे घरों तक आ जाती हैं, हमारे घर के आसपास तक आ जाती है, इसलिए इसको डोर टू डोर सर्विस कहते हैं. बट रेलवे इज़ नॉट गिविंग डोर टू डोर सर्विस, बिकॉज रेलवे कहाँ चलती है? ट्रैक पे. रेलवे आयरन ट्रैक्स पे चलती है, तो वो तो एक फिक्स प्लेस है, एक फिक्स जगह से गई है, उसको हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, देन उसको हम लोग कैरी करते, उसमें ट्रेवलिंग करते. सो लैंड ट्रांसपोर्ट में जो रेलवे है ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, बट रोड ट्रांसपोर्ट इज़ गिविंग डोर टू डोर सर्विस. बट लैंड ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है सबसे चीपेस्ट सस्ता ट्रांसपोर्ट है, बिकॉज आप रोड भी देखते हैं एंड रेलवेज एक साथ बहुत से लोग जाते हैं, तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो भी कम हो जाती है. सो नेक्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट. वॉट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट? वी कैन सी इन दिस अर्ली स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन पीपल लिव ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स. इन द अर्ली स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन जब था तो लोग बैंकों के बैंक्स रिवर्स मतलब बैंक ऑफ रिवर्स दैट मीन्स नदियों के किनारे पे. लॉक्स वेर यूज टू ट्रेवल अक्रॉस द रिवर. लॉक्स बनाए जाते लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ कर एक तरह की नाव बनाई जाती थी, तो उस पर लोग रिवर को क्रॉस करते थे. ग्रेजुअली देन लर्न टू मेक बोट्स टू सेल विच लेड टू इन्वेंशन ऑफ शिप्स. फिर धीरे धीरे उन्होंने बोट मतलब नाव का इन्वेंशन किया, और जब उन्होंने नाव का इन्वेंशन किया तो उसने लेट कर लिया शिप्स का, बड़ी बड़ी शिप्स का. दिस मेड इज पॉसिबल फॉर पीपल टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो द कैरी गुड्स. क्या हुआ कि इस तरह से उन्होंने प्लेस टू प्लेस बाय द वे ऑफ वाटर वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने लगे और हैवी गुड्स भी कैरी होने लगा. नाव प्लेसेज लोकेटेड ऑन द कोस्ट हैव बीन इवन हार्बर टू एंकर शिप. जो बड़ी बड़ी शिप्स होते हैं तो उनको जो स्टॉपेज होता है जहाँ पे वो रुकती हैं उसको कहा जाता है हार्बर्स. एंकर शिप्स, एंकर क्या होता है कि एक बड़ा सा आयरन होता है वो टी टाइप में होता है, उसको नदियों में या सीज में फेंक दिया जाता है जिससे कि वो अंदर जा कर अटक जाता है और बोट वहाँ पर रुक जाती है, शिप्स रुक जाती है, तो उसको ही कहते हैं एंकरिंग द शिप्स. सो यू विल सी द पिक्चर्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. हम देख रहे हैं छोटी बोट्स है, देन शिप्स है, एंड बड़ी बड़ी शिप्स आती है. कई कई तो इतनी बड़ी बड़ी शिप्स होती है डे स्टूडेंट्स की, उसमें मैक्स टू मैक्स 5 to 3,000 रूम्स भी होते हैं. कुछ ऐसी शिप्स होते हैं जो वॉर के टाइम काम आते हैं, तो उस पर फाइटर प्लेन्स भी रखे जाते हैं. शिप्स आर वेरी बिग. नाउ एयर ट्रांसपोर्ट, वी कैन सी दैट एयर ट्रांसपोर्ट द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट. इफ इन एग्जामिनेशन आज द क्वेश्चन विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो योर आंसर विल बी द स्टूडेंट एयर ट्रांसपोर्ट. सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट. इन्वेंटेड बाई द राइट ब्रदर्स एरोप्लेन मेड ट्रेवल इजी. इसका इन्वेंशन किसने किया था एरोप्लेन्स का? तो राइट ब्रदर्स ने. एरोप्लेन मेड ट्रेवल इजी. आज एरोप्लेन देख रहे हैं कि टाइम कंज्यूमिंग भी कम है और बहुत इजी हो चुका है. द मॉडर्न एरोप्लेन आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली वंस. जो पहले के एरोप्लेन्स थे आज के जो एरोप्लेन्स है उसमें ह्यूज डिफरेंस है. सो दे कैन कैरी 100 ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स टू फॉर ऑफ प्लेस इन शॉर्ट टाइम. अब 100 to 150 पैसेंजर जाते हैं, मतलब है गुड्स भी जाते हैं, बट हैवी गुड्स हम लोग प्लेन्स में नहीं भेज सकते हैं. मेजर सिटीज ऑफ आवर कंट्री हैव इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिंग यूज टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो यू विल सी दैट स्टूडेंट्स की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड नेशनल एयरपोर्ट्स होता है वो क्या होता है कि फ्लाइट्स जो होती है जो एरोप्लेन से रहती है दो, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है. डोमेस्टिक फ्लाइट्स मतलब जो सिर्फ हमारे इंडिया में चलती है, लाइक दैट मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी टू लखनऊ, लखनऊ टू कलकत्ता. दिस इज डोमेस्टिक. डोमेस्टिक ये हमारे घर में है. देन इंटरनेशनल दैट मीन्स इंटरनेशनल फ्लाइट क्या जाती है? जो इंडिया से लेके
श्रीलंका, इंडिया से इंग्लैंड, इंडिया से अमेरिका, जब आउट ऑफ कंट्री जाती है तो दैट इज़ इंटरनेशनल फ्लाइट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी लर्न इन दिस चैप्टर ट्रांसपोर्ट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। विदाउट ट्रांसपोर्ट वी कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस नाउ डेज। आज के डेज में हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे विदाउट ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकते। हाउ मच टाइम वी वॉकिंग, हम कितना समय तक वॉक कर सकते हैं, 15 मिनट्स, 1 आवर्स, 2 आवर्स, इट इज़ इनफ। सो ट्रांसपोर्ट मेक आवर वे ईजी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ट्रांसपोर्ट को डिवाइड किया गया है लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, रेल ट्रांसपोर्ट एंड रोड ट्रांसपोर्ट। रेल जो कि प्रॉपर ट्रैक पे चलती है, एंड रोड, रोड आप जानते हैं, रोड्स जो डोर टू डोर सर्विस पास करते हैं हमारे घर तक रहते हैं। कुछ रोड स्ट्रॉन्ग पक्के होते हैं, कुछ जो ओनली ब्रिक्स के बनाए जाते हैं, दिस थिंग्स। देन वाटर ट्रांसपोर्ट, वी कैन सी वाटर ट्रांसपोर्ट इन अर्ली स्टेज में भी इसका बहुत यूज था। लोग शिप्स बना के एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते थे। जो सेलर्स होते थे वे अगर किसी आइलैंड्स को या किसी कॉन्टिनेंट को सर्च भी करते थे तो इसी तरह से। देन एयर ट्रांसपोर्ट, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन्स बाय राइट ब्रदर्स, एयर ट्रांसपोर्ट इज मोर इजियर एंड वेरी फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी हैव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव लिविंग इन फॉर अवे प्लेसेस। सम ऑफ देम आर इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री वाइल सम आर अब्रॉड। वी नीड टू बी इन टच विद देम। कम्युनिकेशन दैट मीन्स वी एक्सचेंज आवर आइडियाज, आवर थॉट, आवर थिंग्स टू आवर फ्रेंड्स, आवर रिलेटिव्स। वे ऑफ कम्युनिकेशन आर मोर नाउ डेज। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आज के डेट में कम्युनिकेशन हमारी लाइफ का सबसे एसेंशियल, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वी हैव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, हम सभी के पास फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, दे आर लिविंग आवर नियर अबाउट, हमसे दूर भी रहते हैं। सम आर लिविंग इन आवर कंट्री एंड सम आर लिविंग एब्रॉड। हाउ टू वी टच देम, हम उनसे बातें कैसे करें, हम उनसे टच में कैसे रहें। इन अर्ली डेज, इन अर्ली डेज व्हेन राइटिंग वॉज नॉट नोन, पीपल यूज टू कम्युनिकेट और एक्सचेंज आइडियाज एंड फीलिंग थ्रू एक्शन ऑफ गेस्चर। गेस्चर मतलब कि इशारा है, किसी नाटक के द्वारा जो चीज़ें बताई जाती थी उसको गेस्चर्स कहा जाता था। देन दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग थ्रू ड्राॅइंग कॉल्ड पिक्चरोग्राफ। देर आफ्टर लोगों ने कम्युनिकेशन का वे ड्राॅइंग बना लिया तो उसको कहा जाता है पिक्चरोग्राफ्स। वी कैन सी दिस पिक्चरोग्राफ इवन टूडे इन सम ओल्ड केव्स एंड रॉक्स। आज भी हम इन सब पिक्चरोग्राफ्स को देखते हैं, कहाँ पे, किसी ओल्ड केव्स में या रॉक्स पे, पत्थरों पे बने हुआ जाता है। जैसे अजंता एलोरा आप चले जाएंगे वहाँ पे है। ग्रेजुअली विद द एडवेंट ऑफ लैंग्वेज, पीपल वुड कम्युनिकेट यूजिंग स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब भाषा, जिसको हम लिख सकते हैं किसी चीज़ को, जिस पैटर्न में, जिस भाषा में, जिस वे से लिखते हैं, दैट इज नोन एज स्क्रिप्ट। Now there are many languages and scripts which vary from region to region. हर भाषा की, हर संप्रदाय की एक अपनी scripts होती है। Now there are many languages. So in olden days we know that कि लोग कैसे action के through, gesture के through, pictograph के through एक दूसरे से लोग communicate करते थे। Now development of communication. Now development of communication कब हुआ and किस तरह से हुआ? तो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन ब्रिटिश इरा, ब्रिटिश इरा के समय यह कम्युनिकेशन बहुत डेवलप हुआ था। इन ओल्डन डेज पीपल कैरीड मैसेज इन पर्सन और सेंड थिंग थ्रू हॉर्सेज एंड पिजन। इन ओल्डन डेज इफ हमें कोई अगर मैसेज भेजना है तो हम क्या करते थे कि किसी पर्सन्स के थ्रू, जैसे आप देखते रहेंगे कि इन मूवीज़ में आता है कि किंग्स, राजा हो गए, जब किसी को कुछ मैसेज भेजना होता था, दे सेंड ऑन द एक कपड़ा होता था, उस पर लिखा रहता था, देन एक पर्सन हॉर्सेस पे राइड करता था, वो उसको देता था। तो दैट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन इन ओल्डन डेज। पीपल कैरीड मैसेज इन पर्सन और सेंड देम थ्रू हॉर्सेस एंड पिजन्स। पिजन्स मतलब कबूतरों के द्वारा, पिजन्स। दिस एनिमल्स वेर ट्रेन टू कैरी मेल्स। और जो ये मेल्स ले जाने के लिए एनिमल्स होते, उनको ट्रेन किया जाता था कि ये
अगर कभी अगर उनके साथ कोई ह्यूमन बींग्स नहीं जा पाए तो अकेले भी वो सारा मैसेज ले जा सकते थे। द पोस्टल सिस्टम वॉज इस्टेब्लिश विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पोस्टल सिस्टम ओवर द ईयर। पोस्टल सिस्टम जब इस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हुआ तो डे बाय डे हम लोगों को मैसेज करने लगे, लेटर सेंड करने लगे। पीपल कुड सेंड मैसेज एंड एनी पार्ट ऑफ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पोस्टल सिस्टम आने के बाद हम एनी पार्ट कहीं भी किसी भी जगह बहुत ही आराम से अपना मैसेज सेंड कर सकते थे। बट दिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। द डेवलपमेंट इन साइंस, डे बाय डे आवर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ नाउ मेड इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट थ्रू वेरियस मीन्स सच एज टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविजन। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी फाइंड आउट द न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन। हमने न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन फाइंड आउट कर लिया, लाइक दैट टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविज़न, दिस आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज आप देख रहे हैं मोबाइल फोन, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो इंक्लूड टेलीफैक्स, सेल फोन एंड ईमेल। आज आप देख रहे हैं ईमेल के थ्रू हम किसी को भी मैसेज विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड सेंड कर सकते हैं। नाउ डू सी दैट इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल। फैक्स, फैक्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे विद इन अ मिनट हम लोग सेंड कर सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी हैव मेड द वर्ल्ड स्मॉलर एंड वेल कनेक्टेड। टेक्नोलॉजी ने आपने देखा होगा कि वर्ल्ड को बहुत क्लोजर ला दिया है, वर्ल्ड एकदम क्लोज आ गया है एंड स्मॉल लगने लगा है, कि मतलब वर्ल्ड बस इतना ही है बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। जैसे कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हुआ वी सी दैट कि वी आर वेल कनेक्टेड इन ओवर ऑल वर्ल्ड। सो कम्युनिकेशंस के थ्रू हमने ये जाना कि किस तरह से कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, किस वे से कम्युनिकेशन को हम जानने लगे और कम्युनिकेशन के थ्रू हमें क्या फ़ायदे हुए। सो डियर स्टूडेंट सी दैट कि हम जानते हैं कि स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाई जेम्स वॉट ऑफ ब्रिटेन इन 1761। जो पहले जो भाप का इंजन था, जो ट्रेन चलती थी पहले, तो वो चलती थी स्टीम इंजन से चलती थी। इन्वेंटेड बाई जेम्स वॉट, और उसको इन्वेंटेड किसने किया था, जेम्स वॉट। ओवरविली राइट एंड विल्बर राइट, प्रॉपरली नोन एज द राइट ब्रदर्स ऑफ देवर्स, इन्वेंटेड द फर्स्ट एरोप्लेन इन द वर्ल्ड इन 1903। उन्होंने 1903 में फर्स्ट एरोप्लेन बनाया था। देन फर्डिनेंड मैगेलन वॉज द फर्स्ट मैन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में शिप्स के थ्रू जाने वाला फर्स्ट पर्सन। एनिशियन ग्रीक्स इंट्रोड्यूस मैराथन रेस इन ओलंपिक टू हॉनर द मैसेंजर्स हु कैरिड मेल्स। जो कैरिड मेल्स रहते थे कि ग्रीक्स में उनके लिए मैराथन शुरू कर दी। सो ट्रांसपोर्ट इज अ प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसपोर्ट एक ऐसी सर्विस है जो पर्सन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बड़े ही आसानी से ले जा सकती है। द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग पीपल। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज और थिंग्स अमॉन्ग द पीपल। सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर पोस्ट, टेलीग्राफ, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड बुक्स, टेलीफोन, फैक्स, टेलेक्स, टेलीविज़न एंड इंटरनेट आर सम मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग जानते हैं कि टेलीफोन, फैक्स, टेलेक्स, टेलीविज़न एंड द इंटरनेट आर द सम मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर। नाउ विद दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट आवर क्वेश्चन आंसर्स। कम्प्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट, जो हमारा वेब चार्ट है उसको कैसे कम्प्लीट करना है। थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन दिस चैप्टर वी स्टडीज दैट थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर और टिक द करेक्ट आंसर राइट इन द ब्लैंक्स। द एनिमल विच वॉज डोमेस्टिकेटेड इज, वो एनिमल जिसको हमने डोमेस्टिकेटेड करना शुरू किए थे पहले, तो वी नो दैट फॉक्स भी नहीं था, लायन भी नहीं था, फर्स्ट क्या था, कैमल। डैश इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर क्वेश्चन आता है विच इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो लैंड ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। द मॉडर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सचेंजिंग मैसेज थ्रू। मॉडर्न जो कम्युनिकेशन का
है एक्सचेंजिंग मैसेज थ्रू, तो दैट इज टेलीफोन, दैट इज क्या है टेलीफोन। द मॉडर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन एक्सचेंजिंग मैसेजेस थ्रू, सॉरी दिस नॉट टेलीफोन दैट इज हॉर्सेज, जिसके लिए द मॉडर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक्सचेंजिंग मैसेजेस थ्रू, हॉर्सेस के थ्रू हम मैसेज करते थे। नाउ दिस वॉज द वर्ड यूज फॉर कम्युनिकेशन इन एंशिएंट डेज। अगेन हार्बर्स आर यूज फॉर एंकरिंग शिप्स, फिलिंग द ब्लैंक्स। अर्लियर पीपल यूज डैश कार्ड्स ड्रॉन बाय हॉर्सेस टू ट्रेवल, वुडन कार्ड्स बनाए जाते थे ट्रेवलिंग के लिए। लॉक्स वेयर यूज टू ट्रेवल अक्रॉस द रिवर, पूरे रिवर को क्रॉस करने के लिए उस समय लॉज होते थे, उससे हम ट्रेवल करते थे। द टू मेन टाइप्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर रेल एंड रोड। द अर्ली डेज पीपल स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग थ्रू ड्राइंग कॉल्ड पिक्चरोग्राफ, अर्ली स्टेज में जो लोग कम्युनिकेशन का एक वे था ड्राइंग का, उसको कहते थे पिक्चरोग्राफ्स। इन ओल्डन डेज एनिमल्स वेयर ऑल्सो ट्रेंड टू कैली मेल इन कैरी मेल्स, ओल्डन डेज में एनिमल्स के थ्रू मैसेजेस कैरी किया जाता था और उनको ट्रेंड किया जाता था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम एनी फोर एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बाई अर्ली मैन टू कैरी गुड्स, हॉर्सेस, कैमल, डंकीज, एलिफेंट। वॉट आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर, लैंड एंड एयर। What is harbor? What is communication? Communication is the exchange of information among the people. Then what is harbor? Place located on the coast have even harbors to anchor ships. Place जहाँ पे anchor किया जाता था ships को, that is known as harbor. Name any two old and two new communication. तो old telephone and post and new fax and telex. Good day students. Thank you.